एवी जी रामनगर, हिमांशु काबा जी, मेरे बहुत प्यारे दोस्त सरवर यार खान साहब, पुष्कर जैन जी, हरीश बनेरू जी, नगर पालिका अध्यक्ष दर्शन कोरी जी, गणेश उपाध्याय जी, संजीव सिंह जी, राजेश प्रताप सिंह जी, सुरेश पपरेजा जी, सुरेश गंगवार जी, खस्ती विश्वी, अरुण तनेजा जी, विनोद अरुण शुक्ला, प्रेमानंद महाजन जी, राखी टापड़ी जी, फिरदौस सरवानी जी, आरिश अहमद जी, राजकुमार जी, कुंदन सक्सेना जी, जाकिर अंसारी जी, हमारे पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि हमारे कैप्टन कल्याण सिंह रौतेला जी, कैप्टन देवेंद्र सिंह कोरंगा जी, नायब सूबेदार गोविंद वल्लभ जी, कैप्टन रेवाधर भट्ट जी, इंस्पेक्टर पीएस अधिकारी जी, सूबेदार प्रताप सिंह जी, विक्रम गंगवार जी, और मैं इच्छे करके रिपीट करके नाम लेता हूँ तो बड़ा लंबा सिलसिला हो जाएगा, मैं समझ चाहता हूँ। एक्स सर्विस मैन में भी हमने केवल प्रतिनिधि के तौर पर कुछ लोगों का नाम लिया, यहाँ नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, गदरपुर, सब पंतनगर, कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ से कांग्रेस के सम्मानित नेतागण नहीं आए हैं। मैं इन सब लोगों के साथ आप सब बहनों को और आप सब भाइयों को और पूरे शांतिपुरी निवासियों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता। अभी पूरी कांग्रेस आपको नतमस्तक होकर के प्रणाम करती है। कुछ लोगों का हमें प्रतिनिधि स्वरूप सम्मान किया, बाकी जो हमारे एक्स सर्विस मैन है, अभी मैं और यशपाल आर्य जी उनका सम्मान प्रारंभ करेंगे। हम सब लोग जितने कांग्रेस में आए हैं, हम शांतिपुरी का महत्व समझते हैं। शांतिपुरी एक तरफ हमारे उन यशस्वी गौरवशाली सैनिकों की जन्मभूमि निवास स्थली है, जन्मभूमि तो कम लोगों की है मगर निवास स्थली है, आज रिटायरमेंट के बाद की कर्मस्थली है। तो दूसरी तरफ जो हमारी तराई भावर में मदर की ये आकांक्षाएं हैं, एक नई संस्कृति, कार्य संस्कृति भी, आध्यात्मिक संस्कृति भी, हर प्रकार की संस्कृति के जो ध्वजवाहक है हमारी बहनें यहाँ पर, मैं सब पूरा कांग्रेस परिवार आप सबको विशेष तौर पर नतमस्तक होकर के प्रणाम करता है और हम बहुत बहुत आपको शुभकामना देना चाहते हैं। बहुत बहुत हम लोग चुनाव की लेला में आए हैं, यकीनन कुछ बातें हम चुनाव की भी करेंगे, लेकिन कुछ बातें हम उस बदलाव की भी करेंगे जो आपके जीवन में आना चाहिए। हर सरकार के साथ यदि लोगों के जीवन में कुछ तरक्की आए, कुछ बदलाव आए, उससे राज्य को गति मिलती है, गति राज्य आगे बढ़ता है। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ा, इसमें कोई राजनीति नहीं, आकांक्षाएं बड़ी दिखाई गई, कहा गया डबल इंजन, इच्छा रुद्रपुर भावर के लोगों ने, तराई के लोगों ने सोचा कि भाई इतना काम सिंगल इंजन वाले हरीश रावत की सरकार ने, यशपाल आर्य की सरकार ने, दुर्गापाल की सरकार ने किया, और जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम डबल इंजन की सरकार दीजिए हमको, हम डबल इंजन की सरकार से आपके विकास को पंख लगाने का काम करेंगे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कहते हुए। पिछले 5 साल में वो डबल इंजन जन कल्याण की योजनाएं भी हैं वो चुन चुन करके बंद कर दी गई। मुझे ताजुब होता है कि उत्तराखंड जैसे छोटे छोटे गांव से बने हुए राज्य में कोई सरकार
मेरा गांव मेरी सड़क योजना को बंद कर सके, मेरा गांव मेरी सड़क योजना में विनोद भाई अपने एक साल में 278 उत्तराखंड जैसे राज्य में कोई मुख्यमंत्री कोई सरकार मंडवा बोनस, झुमरा बोनस, ग्राहक बोनस, मोटे मोटे जितने अनाज हैं उनका बोनस, वृक्ष बोनस, जल बोनस, दुग्ध बोनस, क्या इन योजनाओं को बंद कर सकता है? क्या आपको ये जान करके तकलीफ नहीं हुई है? क्या आपको गुस्सा नहीं आया है कि ये सारी योजनाएं 70-80 बता रहे हैं जो हमने स्टार्ट की, हमने प्रारंभ की, हमारे बाद आने वालों ने उन योजनाओं को बंद कर दिया। हमने पेंशनों को, समाज कल्याण की पेंशन को, जब मैं मुख्यमंत्री बना था 200 रुपया मैंने बढ़ा करके 1000 रुपया किया। केवल 3 पेंशन है, वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन मिलती थी। हमने 3 से संख्या बढ़ा करके 18 की, 18 योजना हमारी बहनों ने, हमने उस बहन को जिसके घर में से विकलांग बच्चा पैदा हो जाए हमने उसको भी बोनस योजना में शामिल नहीं पाएंगे। बौने भाई को, अपना बौने भाई बहन को हमने पेंशन योजना में शामिल किया। कोई मायके से ससुराल से नाराज होकर के मेरी बहन मायके में बैठी है उसको हमने पेंशन योजना से सम्मानित किया 1000 रुपया। कोई बहन हमारी ऐसी है जो काम करते करते असक्त हो गई है, परिवार भी बहुत समझ रहा है, मायका भी बहुत समझ रहा है, तो मैंने ऐसी बहन के लिए भी तीलू वैद्य की पेंशन योजना प्रारंभ की, उनको भी 1000 रुपया पेंशन देते थे। हमने कहा राज्य सरकार बहन के रूप में, लाठी के रूप में उस बहन के साथ खड़ी रहेगी। क्या उसकी व्यथा को समझिए, कितनी व्यथा रहती होगी उसकी, जिसने अपनी मेहनत से अपने परिवार को खड़ा किया। उस बहन को हमने कहा यदि कोई लाठी नहीं बनना है तो हरीश रावत की सरकार उस बहन की लाठी बनी। हमारी कई बहनें हैं समाज में जिन्होंने अपने मायके के परिवार को, एक पिता मर गए, भाई मर गए, उसको संवारने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, बाद में शादी नहीं हो पाई, 40 साल से ऊपर उम्र हो गई, मायके के लोग भी बहुएं भी बात उसको बोल समझने लगे, माँ बाप मर गए। ऐसी बहन के लिए मैंने कहा कि कांग्रेस की सरकार भाई बनकर के खड़ी होगी, उनको भी हमने 1000 की पेंशन से नवाजा। महिलाओं के पक्ष में हमने बड़ा फैसला किया, वृद्धावस्था पेंशन पति को मिलती थी, पति उम्र जल्दी हो जाती है बूढ़ा, 2-3 साल बड़े होते शादी के वक्त में 4-5 साल, और पत्नी बाद में 60 साल में आती है। पत्नी से कहा जाता था तुमको पेंशन नहीं मिल पाएगी क्योंकि तुम्हारे पति को पेंशन मिल रही है। मैंने कहा कि ये कथन अपने आप में महिला के स्वाभिमान के लिए चुनौती है। मैंने बहनों के पक्ष में मैंने कहा एक परिवार में यदि हमको 2 पेंशनें नहीं देनी पड़ती हम 2 पेंशनें देंगे। मेरे बाद आने वालों ने ये पेंशनें बंद कर दी, 70,000 लोगों की पेंशनें बंद कर दी। विचार करिए जो लाठी थी हमने किसान पेंशन शुरू की, हमने शिल्पकारों के लिए शिल्पी पेंशन शुरू की, जगरिया जगरिया पेंशन शुरू की, कलाकारों के लिए पेंशन शुरू की, हमने पत्रकारों के लिए पेंशन शुरू की, हमने पुरोहितों के लिए, लड़की साहिबान के लिए, मौलवी साहिबान के लिए, पास्टर साहिबान के लिए भी पेंशन की योजना प्रारंभ की। हमारे पास आने वालों ने उनको बंद कर दिया, बोनस बंद, पेंशन बंद, केवल भाजपा के लोगों के जेबों को भरने का काम शुरू हुआ। आपके हथियार आपसे एक एक करके छीनने का काम शुरू हुआ। हमने अपने दलित वर्ग के भाई बेटियों के लिए, गरीब घर की बेटी के लिए हमने कहा कन्या धन योजना, 5,000 पैदा होते ही 2 बेटे तक और 10,000 रुपया बाद में पालन के लिए, शादी के लिए
नंदा देवी योजना 50,000, पढ़ाई के लिए 50,000, गौरा देवी पेंशन योजना। धन्य है भाजपा के लोगों, गरीब की बेटी को सुखी तुम नहीं देख पाए, उसको लक्ष्मी के रूप में देखना तुमको गवारा नहीं रहा, और तुमने गौरा देवी नंदा देवी कन्याधन योजना का कचूमर निकाल दिया। जिनको 1,16,000 तक मिल जाती थी, उन बेटियों को इन्होंने केवल 30,000 या 35,000 में टरका दिया। मेरी बेटियां मुझको कई मिलती हैं, कहती हैं अंकल वो गौरा देवी, मैंने कहा बेटा अभी तो मैं ही गौरा देवी हूं, जब मैं गौरा देवी हो जाऊंगा गौरा देवी की शुरू हो जाएगी। आज कह रहे हैं होशियारी योजना, यहां हमारे 12 लोग के बहुत छे घर जान सा, आज हमें 60-70-80 साल पहले जब सिद्धवानी ठैकरी होती थी, जब जमीन बड़े बड़े लोगों के पास होती थी, गरीब की पत्नी उसके घर में उसके खेत में घास काटती थी, तब घशहरी होती थी। धन्य है भाजपा के लोगों, हमने तो अपने बेटियों के लिए आईटीआई खोले, पॉलिटेक्निक खोले, डिग्री कॉलेज खोले, नर्सिंग कॉलेज खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, स्पोर्ट्स कॉलेज खोले, सीरीज में खोलने का काम किया। और भाजपा वाले कहते हैं हमने कहा हमारी बेटी इंजीनियर बनेगी, कलम पकड़ेगी, कंप्यूटर पकड़ेगी, वो मेरी बेटी से कहते हैं तो उसको घर बना दूंगे, मंजूर।